90.4 FM रेडियो खांची हम सबका रेडियो प्रस्तुत करता है इस आजादी के अमृत महोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आजादी के मतवाले राही। और आज इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे फ्रीडम फाइटर रामा देवी चौधरी से। आजादी के मतवाले राही के आज की कड़ी में आप सुनेंगे श्रीमती रामा देवी गांधी जी के बारे में। आजादी किसे प्रिय नहीं होती, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। हमारे देश को आजाद कराने में अनगिनत लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। कई माताओं के लाल उजर गए, कई सुहागिनों के सुहाग उजर गए, कई बच्चों के माता पिता चले गए, कई बहनों के भाई खो गए। मनुष्य हो या पशु पक्षी, हर कोई आजाद माहौल में आजादी के साथ रहना चाहता है। एक पंछी भी अपनी भावनाओं को उजागर कहता है। वो कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चाँच खोल चुगते तारक अनार के दाने। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। महान स्वतंत्रता सेनानी रमा देवी चौधरी का जन्म 3 दिसंबर 1899 को उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता गोपाल वल्लभ दास और माता बसंत कुमारी देवी थी। रमा देवी के चाचा उत्कल गौरव मधुसूदन दास उस समय के प्रसिद्ध वकील और समाज सुधारक थे। अपने चाचा की सोहबत में रहकर रमा देवी छोटी उम्र से ही आंदोलन का हिस्सा बन गई। क्यों न बनती, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। इसी बीच 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर गोपाल बंधु जी से हो गई। वर्ष 1921 में कटक के विनोद बिहारी मंदिर में महात्मा गांधी और कस्तूरबा से उनकी पहली बार भेंट हुई। इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं, गहनों, महंगे कपड़ों का त्याग कर दिया। उनके पति ने भी अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद रमा देवी अपने पति के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान गांव-गांव जाकर महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1930 में उन्होंने बालासोर जिले के इंचुदी और श्रीजंग स्थानों पर हजारों महिलाओं द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसे इंचुदी नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेज पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में वर्ष 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए रामा देवी चौधरी कई बार जेल गई। वर्ष 1932 में इन्हें हजारीबाग जेल से रिहा किया गया। वर्ष 1934 में जब महात्मा गांधी ने पूरी से आंदोलन की शुरुआत की, तब रामा देवी जी ने एक बार फिर गाँव की यात्रा की। उन्होंने लोगों को अस्पृश्यता के मुद्दे पर जागरूक किया। इसी दौरान उड़ीसा में आंदोलन में कस्तूरबा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता भी शामिल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में परिवार के साथ इसमें हिस्सा लिया और अगले दिन ही पुलिस ने उनके पूरे परिवार के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसे गांधी जी ने सेवा घर का नाम दिया। इस आश्रम में अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती थी। कस्तूरबा गांधी के देहांत के बाद गांधी जी ने रामा देवी जी का काम के प्रति सजगता और विचारों की प्रतिबद्धता देखकर उनकी कस्तूरबा ट्रस्ट के उड़ीसा प्रभाग की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वह गांधी दर्शन के प्रचार प्रसार में लगी रही। उत्कल क्षेत्र में खादी आंदोलन को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका रही। वर्ष 1952 में वे विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन से जुड़ गईं और अपने पति के साथ उड़ीसा के विभिन्न शहरों में पदयात्रा कर करीब 1000 एकड़ भूमि एकत्र की। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी सेना की मदद के लिए धन और संसाधन एकत्र करने का बीड़ा उठाया। अपने पूरे जीवन में समाज कल्याण की दिशा में काम करने वाली रामा देवी ने 22 जुलाई 1985 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
90.4 रेडियो खांची करता है रमा देवी जी का नमन। श्री मोती सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजादी के मतवाले राही, और इस कार्यक्रम से जुड़ी फीडबैक आप हमें हमारे व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर पे दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9472786904, और साथ ही आप हमसे फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे शो की अगली कड़ी में 90.4 FM रेडियो खांची पे। जय हिंद।